हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास है वीवो का Y1S मोबाइल, एंड्रॉयड 10 है इसमें, जो FRP लॉक यानी गूगल ID लॉक हो चुका है। तो आपको मैं इसका बाईपास पूरा करके बता दूंगा इस वीडियो में, किस प्रकार से इजी तरीके से बिना फ्लैशिंग और बिना किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर बॉक्स के द्वारा इसका बाईपास है गूगल अकाउंट, वो आपको बाईपास करके बताता हूँ। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं गूगल ID लगा हुआ, मैं आपको कन्फर्म करके बता देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें गूगल ID लगा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ आएगा नॉट साइन इन, यानी मतलब गूगल ID लगा हुआ है और ये अभी लॉक हो चुका है FRP लॉक। अभी मैं आपको बाईपास की पूरी ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले इसको किसी भी एक वाईफाई नेटवर्क से ऐड कर देना है। ये अभी इसमें एंड्रॉयड 10 है, FRP बाईपास एंड्रॉयड 10 का है। सबसे पहले आपको कोई भी वाईफाई नेटवर्क ऐड कर लेना है। हमने एक वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद में नीचे जाना है, कनेक्ट टू नेटवर्क में ऐड नेटवर्क, यहाँ पर ओके कर देना है और यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देना है और टैप करके रखना है। ऊपर आ जाएगा वेब सर्च का ऑप्शन, ये ऊपर दिखा हुआ है वेब सर्च, यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपका वेब सर्च यानी ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। वीवो का वीवो ब्राउज़र ओपन हो जाएगा सीधा, ये ऊपर देख सकते हैं लोडिंग लिखा हुआ है। अभी आपको यहाँ पर क्या टाइप करना है, VNROM बाईपास, ये वीवो ब्राउज़र ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको टाइप करना है VNROM बाईपास, यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है, यहाँ पर ओके कर देना है। इसके बाद में नीचे जाना है आपको FRP बाईपास के, बाईपास गूगल अकाउंट फर्स्ट ऑप्शन आता है, इसको सेलेक्ट कर देना है और इसमें नीचे आएगा ऑप्शन गूगल सर्च, गूगल सर्च ऐप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक कर देना है, अलाउ कर देना है। इसके बाद में आपको जाना है अलाउ वापस कर देना है। ये आपका गूगल सर्च ऐप ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको लिखना है वी ऐप लिखना है गूगल सर्च में, VApp स्टोर, ये सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा VApp स्टोर नाम से, ये सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये आपको ये ओपन कर देना है। इसके बाद में एग्री पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको स्किप कर देना है और ऊपर सबसे ऊपर सर्च बार लिखा हुआ है, सर्च है, यहाँ पर आपको लिखना है एक्टिविटी लॉन्चर, एक्टिविटी लॉन्चर सबसे पहले आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर देना है, ओके करना है। इसको अभी गेट कर देना है, इंस्टॉल होकर देना है, नीचे ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉलिंग, अभी इसको इंस्टॉल होने के बाद में ओपन कर देना है। ये अभी हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ओपन कर देना है। ये अभी हमारा लॉन्चर ओपन हो जाएगा, ओके कर देना है। ये इंस्टॉल हो जाएगा लॉन्चर पूरा, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके बता रहा हूँ इस वीडियो में। ये अभी इंस्टॉल हो चुका है। अभी ऊपर सर्च में आपको लिखना है वीवो सब, VIVOSUB, स्पेस नहीं देना है, VIVOSUB। जैसे ये लिखोगे, देखो मैं वापस बताता हूँ, VIVOSUB, स्पेस नहीं देना है। सेकेंड वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। अभी आपको जाना है ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में, ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में जाना है। फिर यहाँ पर लिखा होगा ऑल ऐप्स, ये ऑल सेलेक्ट ऑल, सी ऑल ऐप्स, यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आपको जाना है गूगल प्ले सर्विसेज, गूगल प्ले सर्विसेज वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको करना है डिसेबल ऐप, डिसेबल पर क्लिक कर देना है, डिसेबल ऐप कर दिया है। फिर इसके बाद में फोर्स स्टॉप, यहाँ पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। अभी हमें बैक की प्रेस करना है, यानी जो होम स्क्रीन है, स्टार्टअप स्क्रीन है, वहाँ पर आपको जाना है, बैक करते जाना है, करते जाना जहाँ तक स्टार्टअप स्क्रीन आ नहीं जाए मोबाइल की, आपको बैक की पूरा प्रेस कर देना है। ये देखिए हमारा होम की आ गया है, यानी होम स्क्रीन आ गया है, स्टार्टअप स्टार्ट टू योर फोन, यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अभी आपको नेक्स्ट करते करते जाना है, जहाँ पर स्किप का ऑप्शन आए वहाँ पर स्किप भी कर देना है। ये देखिए इस प्रकार से डोंट कॉपी कर देना है, ये भी नेक्स्ट क्लिक कर देना है। आपको नेक्स्ट फिर स्किप, जो जो आपको ऑप्शन आ रहे हैं वहाँ पर क्लिक करते जाना है, ये स्किप पर क्लिक कर दिया है। तो फ्रेंड्स अभी देखिए मैं आपको पूरा मोबाइल ओपन करके बता रहा हूँ, ये हमारा मोबाइल ओपन हो चुका है। तो अभी जो FRP बाईपास है ओपन हो चुका है।